एक बार की बात है, एक बच्चा नदी किनारे बैठकर नदी को बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ वक्त बाद बच्चे के पिता बच्चे के पास आए और बच्चे को देखने लगे। बच्चा अभी भी नदी को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। बच्चे के पिता ने बच्चे से सवाल पूछा कि तुम इतने ध्यान से इस नदी को क्यों देख रहे हो। बच्चे ने कहा, पिताजी, इस नदी का पानी कहाँ जाता है। ये सवाल सुनकर खुश होने लगे कि मेरा बेटा पढ़ने लिखने में इतना होशियार हो गया है कि इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है। बच्चे ने एक बार फिर से पूछा कि इस नदी का पानी कहाँ जाता है। जवाब दिया, इस नदी का पानी समुद्र में जाता है। ये सुनकर बच्चे ने एक और सवाल पूछा कि अगर इस नदी में हम कोई पत्थर या भारी चीज फेंकेंगे तो क्या वो भी नदी में जाएगी। ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होता है कि मेरा बेटा तो बहुत ही समझदार हो गया है। बच्चे ने एक बार फिर से पूछाता है कि अगर इस नदी में हम कोई पत्थर या भारी चीज फेंकेंगे तो क्या वो भी नदी में जाएगी। पिता जवाब देते हैं कि अभी नदी के पानी का बहाव बहुत तेज, इसलिए इसमें डाली हुई कोई भी चीज बहुत ही जल्दी समुद्र में चली जाएगी। सुनकर बेटा बोलता है कि तब तो हमें समुद्र में जल्दी जाना होगा। पिता पूछते हैं क्यों। बेटा जवाब देता है, क्योंकि हमारे घर की, आपकी गाड़ी की चाबी और आपके वॉलेट ये सब नदी में गिर गया है, तो अब तक तो वो सारा सामान समुद्र में पहुंच गया होगा, तब तो हमें समुद्र में जाना होगा। पिता ये सुनकर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे।